फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी मेरे पास क्यूरीज थी कि रिएक्ट जीएस क्या इससे पहले हमारे फिजिकल सेशन थे, तो ये लाइव सेशन है तो हम लोग इसको ज्वाइन करें, तो किस तरह से हम लोग जो है वो लेक्चर्स लेंगे, किस तरह से क्लासेस लेंगे, और हमें फिजिकल ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन या लाइव सेशन जो हमारे ये ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को कि आप बिल्कुल डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन दिस ऑनलाइन और लाइव कोर्स। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फिजिकल कोर्स होता है। मैं आपके साथ रहूंगा हर टाइम, हर लम्हा जो हमारा होगा वो मैं आपके साथ पूरा इंटरेक्ट करूंगा। आप लोग हमारे पास जूम के ऊपर आप हैंड रेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और सेम लाइव कोडिंग सेशन होंगे। मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर करवा के ऊपर भी देखूंगा, अपनी स्क्रीन शेयर करवा के उसके ऊपर भी हम लोग कोडिंग करेंगे साथ साथ। सो इसमें लाइव सेशंस में और जो हमारा ऑफलाइन सेशन होगा उसमें कोई फर्क नहीं है। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन दिस लाइव सेशन, आप इसी में हमें ज्वाइन करें। इसका फायदा यह है कि आप किसी भी जगह से आउट ऑफ लाहौर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगेन इट्स माय गारंटी कि आप लोगों को कोई इसमें 1% भी हेजिटेशन फील नहीं होगी, 1% भी डिफरेंस फील नहीं होगा कि आप फिजिकल मेरे से क्लास ले रहे हैं या फिर आप लाइव क्लास ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम again to the advanced javascript training with react js and react native. My name is Sabir Hussain aur main team lead hu react js ka. Also I'm co-founder of eBridge professional training institute, aur is course ko start karne ka aur deliver karne ka purpose ye hai ki market mein react ki bahut zyada demand hai aur us demand ko fulfill karne ke liye bhi hamare paas log nahi hai. Let isko hum aage detail se dekhte hain further in cheezon ko, lekin basic is course ka purpose ye hai ki jo bhi is course ko join kare वो बिल्कुल बेसिक से लेके काफी एडवांस लेवल तक सारी की सारी ट्रेनिंग हमसे प्रॉपर तरीके से वो लेगा, और वो कोडिंग सेशंस के थ्रू हम लोग चलेंगे, और एट द एंड यू विल बी अ प्रो डेवलपर इन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई टेक दिस कोर्स, क्योंकि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज आर यूजिंग रिएक्ट। उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, टॉप 10 जो आपकी वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं वो सारी की सारी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रिएक्ट यूज कर रही है। इसमें फेसबुक है, उबर है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, खान अकेडमी, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, फ्लिपबोर्ड, नेटफ्लिक्स, पेपॉल, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है और ये सारे के सारे रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन इसके क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत आपके पास पोटेंशियल है। सेकेंड, करियर बेनिफिट के अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो इजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न है, रिएक्ट इज द मोस्ट रिमांडेड एंड ईजी टू लर्न फ्रेमवर्क। इसको ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बता रहा, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे अभी हम इसी ओरिएंटेशन क्लास के अंदर देखेंगे कि ये इसको अगर मैं कह रहा हूँ तो मोस्ट रिमांडेड एंड ईजी टू लर्न फ्रेमवर्क तो किस तरह से है। एंड थर्ड पॉइंट इज गिव्स यू एन एज इन इंटरव्यू एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप जॉब के लिए ट्राई करने चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इट्स अ बिग प्लस फॉर यू, इट विल बी अ डेफिनेटली बिग प्लस फॉर यू कि आपको रिएक्ट आती है और जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से आती है, तो यू विल बी डेफिनेटली विन दैट इंटरव्यू। फोर्थ पॉइंट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट डिमांड है, ये भी हम लोग अभी प्रूव करेंगे किस तरह से डिमांड है। हम लोग देखेंगे लाइव जो वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो फेमस वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर डिमांड देखेंगे किस टेक्नोलॉजी की ज्यादा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यू विल लर्न हाउ टू आर्किटेक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट यूज की जाती है, तो हम लोग इसके अंदर 2 से 3 वेब एप्लीकेशन इसके अंदर बनाएंगे। देन विल मूव टू रिएक्ट नेटिव, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है वो हम लोग एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे इसके अंदर। सो नेक्स्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, तो इसके बहुत वास्टली यूज हो रही है। वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर जो वेब और मोबाइल एप्स बनाई जा रही हैं, आर्टिफिशियल बेस्ड जो वेब और मोबाइल एप्लीकेशन है उनके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्ट यूज की जा रही है। डेटा साइंसिस के एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जितनी भी नेटिव एप्स हैं वो अब कोशिश की जा रही है कि सारी सारी रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट कर दें, ताकि उसके लिए अलग से जावा एंड्रॉइड डेवलपर और जो आईओएस डेवलपर है हमें अलग से हायर ना करना। सो सेकेंड क्वेश्चन इज रिएक्ट द राइट चॉइस फॉर मी, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे रिएक्ट ही सीखनी चाहिए या मैं किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर जाएं, या कौन सी टेक्नोलॉजी अब है इस टाइम पे किसकी डिमांड है। उसके लिए जो है वो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो एक कंपनी है,
और डेफिनेटली आप सबको पता होगा स्टैक ओवरफ्लो का. तो स्टैक ओवरफ्लो हर साल एक सर्वे करती है, तो जो उसका 2019 का सर्वे है उसको हम लोग थोड़ा सा विजिट करते हैं, सो दैट वी नो कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज के अंदर जावास्क्रिप्ट सबसे टॉप पे है, जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर, और वेब फ्रेमवर्क के अंदर रिएक्ट जेएस टॉप पे है. उसी तरह से मोस्ट लव्ड और वांटेड जो है उसके अंदर आप देखेंगे पाइथन और जावास्क्रिप्ट टॉप पे हैं दोनों. अगेन जो वेब फ्रेमवर्क है मोस्ट लव्ड उसके अंदर जो है वो रिएक्ट जेएस ऑलरेडी टॉप पे है. नेक्स्ट हम लोग सैलरी रेंजेस देखते हैं रिएक्ट डेवलपर की इन यूएसए एंड ग्लोबल में. तो सबसे पहले ये एक वेबसाइट है neuvwo.com, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है जो आपको सैलरी रेंजेस बताती है. आप अगर इसमें देखना चाहते हैं कि पाइथन डेवलपर की क्या सैलरी है, रिएक्ट जेएस डेवलपर की क्या सैलरी है, तो ये आपको वेबसाइट जो है ऑथेंटिक तरीके से बताती है. तो इसमें अगर हम लोग यूएसए और ग्लोबली देखें तो आप $125,000 पर एनम इजिली अर्न कर सकते हैं एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकेंड रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट जो है वो payscale.com है. payscale के ऊपर अगर हम लोग सर्च करें तो ये भी हमें बता रहे हैं कि आप 93 से लेके 125K तक इजीली React JS की स्किल के साथ अर्न कर सकते हैं. थर्ड हमारे पास बहुत फेमस वेबसाइट है Glassdoor, जिसके ऊपर रिव्यूज भी मिलते हैं आपको और जॉब से रेलिवेंट और भी चीजें मिलती हैं. यहाँ पे अगर हम लोग सैलरीज चेक करें फ्रंट एंड डेवलपर की रिएक्ट के साथ, तो 48K से 131K तक आप लोग इजीली पर एनम अर्न कर सकते हैं React JS. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हम लोग पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री को टच करें. तो ये आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने, मैंने वर्ल्ड वाइज तो आपको सैलरीज बता दी हैं, ग्लोबली भी सैलरीज बता दी हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या अर्निंग है और क्या डिमांड है इसकी. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले indeed.com पे जाते हैं. indeed.com जो है ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज जो है वो सर्च इंजन है स्पेसिफिकली फॉर जॉब. इस तरह से गूगल सर्च इंजन है जेनेरिक, इस तरह से indeed.com जो है वो जॉब का सर्च इंजन है. तो इसके अंदर जो आपके पास टॉप लिस्टेड जॉब्स हैं, जैसे आप उसके ऊपर सर्च करते हैं रिएक्ट और अपनी लोकेशन डालेंगे लाहौर, तो आपके पास जो आपके पास लिस्ट हो रही होंगी वहां पे जॉब्स, उसमें से मैंने कुछ टॉप को उठा के देखी है. आप वहां पे देखेंगे हंड्रेड ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं. तो इसमें देखें सैलरीज आपको 100,000 इजिली, 100,000 प्लस यानी कि 1,00,000 प्लस आपको इजिली सारे ऑफर कर रहे हैं. तो डेफिनेटली अगर आप टेक सीखते हैं, उसमें थोड़ा सा काम करते हैं, तो आप कितना इजिली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि किसी और टेक्नोलॉजी में यहाँ तक आते आते आपको काफी टाइम लग सकता है. उसके बाद मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास पाकिस्तान में जॉब्स के लिए वो rosy.bk है. तो rosy.bk पे अगर आप जाते हैं तो ये मैंने सर्च किया रिएक्ट जेएस डेवलपर और टॉप 4 जो थी उसमें, जो सबसे टॉप पे 4 लिस्ट हो रही थी वो मैंने उठाई है. इसमें आप देख सकते हैं, लेट से मेक इट लाइव, यहाँ पे ये रिएक्ट rosy.bk मैंने रिएक्ट जेएस डेवलपर सर्च किया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये React JS developer है, 150K तक ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये 70K तक ऑफर कर रहे हैं, ये भी 150K तक, ये भी 150K तक. तो ये लाइव सर्च है और ये दिसंबर यानी कि कुछ 6-7 दिन पहले की, ये भी ये तो अभी रिसेंटली जो है वो लास्ट वीक की जो है वो जॉब यहाँ पे लिस्ट हुई भी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट डिमांड हो रही है, इससे भी बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे. सो यू कैन लर्न एंड यू कैन अप्लाई दैट जॉब. और इस कोर्स को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है और सारी की सारी इसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे ही चलेंगे जैसे आपने किसी जगह पे कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया और आपको फर्दर उसके ऊपर उसी तरह से स्टेप्स के थ्रू गाइड किया जाएगा. हम लोग प्रोफेशनल एप्स के ऊपर काम करेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे जैसे एक कंपनी में काम होता है. तो डेफिनेटली ये आपका खाली कोर्स नहीं होगा, ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आपने ना 3 months आपने रिएक्ट के ऊपर काम किया हुआ. तो इसके बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के ऊपर आप बनाए उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप लोगों से प्रोजेक्ट्स पर कर सकते हैं, कंपनी से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो डेफिनेटली यू विल अर्न एन हैंडसम अमाउंट. जहां बैठ दो सर, यहां सबसे बड़ा मसला यही है. हमारे पास जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. किसी ने तंग नहीं किया, इन्होंने तंग किया. तो कोर्स स्ट्रक्चर को इस तरह से होगा हमारे पास कि इसकी इस कोर्स के तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे.
ES6 प्लस के जितने फीचर्स हैं हम लोग सारे ऑलमोस्ट सारे कवर करने की कोशिश करेंगे. पार्ट टू में रिएक्ट किया है, रिडक्स है, रिएक्ट ऑफर है. पार्ट थ्री के अंदर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विद टेक नेटिव है. इन तीनों को अभी डिटेल से देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल. तो बेसिक्स के अंदर हम लोग एक ही लेक्चर में जो बेसिक्स है उसकी वो कवर अप करेंगे, सो दैट कि हम लोग सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हों. जिनको आती है और जिनको नहीं आती वो सारे एक लेक्चर में एक प्लेटफॉर्म पे होंगे. और उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर ES6 प्लस की जो चीजें हैं उसके अंदर से मैंने कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है. हम लोग इससे बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे. इसके अंदर नैरो फंक्शंस हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, क्लासेस हैं, प्रॉपर्टीज, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, अरे के जो फंक्शंस हैं, हाई ऑर्डर फंक्शंस. इवन कि हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से वर्क करता है और उसको हम लोग पूरा पूरा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट के जो स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है या इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में हमें पता हो कि बैकएंड पे एक्चुअली जावास्क्रिप्ट काम किस तरह से कर रही है, इसका इंजन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हमारे कोड को जो है वो रन करके दिखा रहा है. तो उसके फौरन बाद हम लोग मूव हो जाएंगे रिएक्ट जेएस के ऊपर. तो रिएक्ट जेएस के ऊपर हम लोग इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस के, एडवांस कॉन्सेप्ट उसके बाद पढ़े जाएंगे. फिर हम लोग एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी टू डू ऐप, जिसके अंदर आप टू डू को मार्क कर सकेंगे, कंप्लीट उसको डिलीट कर सकते हैं, नया टू डूज ऐड कर सकते हैं उसमें. पहले हम एक स्टैटिक एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर इसको प्रॉपर रेस्ट एपीएस के थ्रू हम लोग सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि हम सर्वर के ऊपर सारी चीजें कर रहे हैं और हम अपनी टू डूज जितने भी हैं वो सारे सर्वर के थ्रू मेंटेन कर रहे होंगे रेस्ट एपीएस. फिर इस कोर्स के अंदर हमारे पास कोडिंग चैलेंजेस होते हैं. मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, कोडिंग चैलेंजेस देता हूँ. कुछ हमारे पास यहाँ पे लाइव सेशन होंगे कोडिंग चैलेंजेस के, जिसमें ये भी देखा जाएगा कि आपने चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उसमें जो कोड है वो फर्दर ऑप्टिमाइज हो सकता है और उसको हम रिएक्ट पे में किस तरह से लिख सकते हैं, आपने काम कर लिया तो उसको फर्दर ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जा सकता है. फिर रिएक्ट हुक्स जो लेटेस्ट काफी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे. इसके बाद भी कुछ और चीजें आई हैं जिसमें सस्पेंस है और रिएक्ट के अभी रिसेंटली इसी लास्ट मंथ में जो रिएक्ट की चीजें अपडेट की हैं वो भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी. फिर हम लोग रिडक्स सीखेंगे, रिएक्ट रिडक्स सीखेंगे और मिडलवेयर टंग यूज करेंगे उसके अंदर. और हम अपना नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे विच इज ऑनलाइन केक शॉप. और ये सारा हम लोग रिएक्ट रिडक्स और रेस्ट एपीएस को मिक्स करके यूज करेंगे, रिएक्ट ऑफर 4 भी यूज करेंगे. थर्ड पार्ट विल बी रिएक्ट नेटिव. रिएक्ट नेटिव हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे. और रिएक्ट नेटिव जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये वो फर्स्ट लाइब्रेरी है जिसमें हम कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एंड्रॉइड की और आईओएस की नेटिव एप्लीकेशन हमें मिलती है. तो ये इसकी फैमिलियरिटी की बहुत बड़ी रीजन है. तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रो, उसमें मैं आपको डिटेल से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा. और इसकी डिमांड जो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे रिएक्ट नेटिव की, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांड है. तो बेसिक सीखने के बाद हम लोग साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मोबाइल ऐप स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर. और फिर उसी के अंदर हम लोग रीडर्स यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव के साथ. फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी एप्स हैं उसके अंदर हम लोग डिबगिंग किस तरह से कर सकते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, स्टाइलिंग एंड एनिमेशन किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं. फिर एक और प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा विच इज ई कॉमर्स ऐप. ई कॉमर्स ऐप में हम लोग इसके जो नेटिव फीचर्स हैं मोबाइल्स के, आप कैमरा कैसे यूज करेंगे, ब्लूटूथ के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, गूगल मैप की एपीएस किस तरह से यूज करनी है, वो सारी चीजें होंगी. फिर हम लोग रेस्ट एपीएस इसके अंदर यूज करेंगे सो दैट कि हमारी एप्लीकेशन डायनामिक हो, सर्वर के साथ पूरी कम्युनिकेशन कर सके. और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ऐप को पब्लिश किस तरह से करना है सो दैट कि हमारी ऐप जो है वो लाइव हो स्टोर्स के ऊपर. सो फार किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें. आई हैव गॉट 10 क्वेश्चन. Okay, someone asked, sorry for interruption. Is React supported cross platform? Yes, definitely it's supported all the platforms. Purvani is asking for Google Flutter. Google Flutter is ये नई लाइब्रेरी है और ये जो है वो React Native का competitor है, ठीक है. लेकिन React Native क्योंकि पहले से आई हुई है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है अभी फ्लटर से. फ्लटर अभी नई नई आई है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है फ्लटर की, लेकिन इसको अभी कम लोग यूज कर रहे हैं. इसका जो इकोसिस्टम है वो भी छोटा है, रिएक्ट नेटिव का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा एप्स ऑलरेडी डेवलप हो गई है और डिमांड इसके अंदर अभी ज्यादा है. तो फ्लटर जो है वो उसकी अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेट टू रिएक्ट नेटिव है. तो और उस केस में है कि जब आप, और फ्लटर जो है ना
उसके अंदर और React Native के अंदर डिफरेंस ये है कि Flutter की अंदर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है ना वो आपको सीखनी पड़ेगी, और जो React Native है उसके अंदर सिर्फ आपको JavaScript सीखनी है और React Native के अंदर आप काम कर सकते हो. What's better? It's depends. और उसके अंदर लर्निंग एफर्ट भी ज्यादा आपके Flutter के अंदर. डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो React Native इज फार बेटर देन Flutter, क्योंकि Flutter अभी नहीं आई है, उसका इकोसिस्टम भी छोटा है और उसके अंदर अभी इतना काम भी नहीं हो रहा, सो दैट के हम अभी कंक्लूड नहीं कर सकते कि Flutter में से और React Native में से अच्छी कौन सी है. अभी तक के लिए जो मोस्ट डिमांडेड है 2020 तक, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स में जाएं और वहां पे जाके Flutter और React Native को कंपेयर करें, आपको पता चलेगा कि React Native जो है वो बहुत ऊपर है अभी Flutter से. सो दैट कि हम लोगों को अभी जो मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजीज है हम लोग उसी के ऊपर चल रहे हैं, उसी को सीखने जा रहे हैं. React versus Node, React versus Node, ये कंपैरिजन ही नहीं बनता. Node जो JSB JS की लाइब्रेरी है और React.jsb JS की लाइब्रेरी, बट Node.js हम लोग डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, React.js हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं. Node.js जो वो बैकएंड पे यूज होती है, ये PHP का alternative हो सकता है, ये Python का alternative हो सकता है, लेकिन React जो है वो फ्रंट एंड पे यूज की जाती है, इसके साथ फ्रंट एंड लाइब्रेरीज बिल्ड की जाती है और React Native के साथ मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड की जाती है. नोड इस पर्पज के लिए नहीं है, नोड के अंदर हम बैकएंड लैंग्वेज के तौर पर उसको यूज करते हैं, वो डेटाबेस से कोलैबोरेट करती है, और लेट्स से कि हम लोगों को अगर REST APIs का आर्किटेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो REST APIs जो है हम लोग फिर नोड के अंदर बनाते हैं. तो नोड और React जो है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये इनका कंपेरिजन आपस में नहीं. सो एनी अदर क्वेश्चन? Okay, let's move to next slide. हम लोग क्या इसमें सीखेंगे ये उसकी समरी है, मैंने भी काफी डिटेल से बता दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट जेएस पे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और जितनी भी लेटेस्ट चीजें आई हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. फिर इसके अंदर हम लोग रिएक्ट राउटर और रिडक्स भी यूज करेंगे, और ये वो चीजें हैं जो इसके साथ लाजमी यूज होती हैं और लाजमी पढ़नी चाहिए. उसके बाद फिर हम लोग React Native पे मूव हो जाएंगे और वहां पे जाके हम लोग दो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई जॉइन दिस कोर्स एट eBridge? eBridge आपको क्या लाइब्रेरीज देगा? उसमें आपको ये कि आपको 100% प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेंगी, जो वे ऑफ लर्निंग होगा वो बहुत ईजी होगा, आपको डिफरेंट चीजें भी बहुत ईजी वे से सिखाई जाएंगी, और आपको लर्निंग करने का मौका मिलेगा एक्सपीरियंस डेवलपर से. जॉब और स्किल ओरिएंटेड कोर्स होगा ये हमारा, फुली स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी, रियल वर्ल्ड कोडिंग चैलेंजेस होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, सो दैट यू विल लर्न के प्रोफेशनली किस तरह से कोड लिखा जाता है और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं. बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर सेशन होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग लाइव कोडिंग सेशन रखते हैं, उसके अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि आपने कोड तो कर लिया लेकिन इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी, इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता था. उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास सेशन होते हैं जिसमें हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद कुछ हमारे पास कंपनीज कनेक्टेड है हमारे साथ, और वहां पे हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के बाद, आपकी सीवी प्रिपरेशन करने के बाद आपको वहां पे रेफर भी करते हैं फॉर जॉब्स और फॉर इंटर्नशिप. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमिनल फी. डेफिनेटली आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में फी मिल रही है, इतनी फी में एक तो आपको रिएक्ट का कोई प्रैक्टिकल कोर्स, इतना प्रैक्टिकल कोर्स आई डोंट नो कि कोई इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं करवा रहा, दूसरा आपको इतनी नॉमिनल फी में कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, इसका फायदा यह है कि आप किसी जगह पर बैठे हैं आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और जिस तरह से आप अभी मेरे से बात करें इस तरह से बात कर सकते हैं, आप अपना माइक ऑन करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग होगी, सारा कुछ होगा. सो डोंट अफ्रेड फॉर ऑनलाइन सेशन, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. और eBridge जो है वो SGC गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, सो दैट यू विल गेट डेफिनेटली SGC एफिलिएटेड सर्टिफिकेट. एनरोल किस तरह से करना है इस कोर्स में? आप फिजिकली हमें विजिट करना चाहें तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस मेंशन है यहाँ पे, eBridge प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडजेसेंट टू सुजुकी शोरूम आखिरी मिनट स्टॉप मेन जी टी रोड लाहौर. ऑनलाइन अगर आप पे करना चाहें तो आप जैस कैश इजी पैसा करवा सकते हैं, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो, अगर आप वीडियो इस टाइम पर लाइव मेरे साथ ओरिएंटेशन में है तो
तो ये वीडियो डेफिनेटली हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और आपको इसका लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक के नीचे, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें ऑलरेडी एड होंगी और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं eBridge.pk के ऊपर। थर्ड पे है बैंक ट्रांसफर करें और इसकी स्लिप हमें व्हाट्सएप कर दें, सो यू विल गेट योर रोल नंबर, आप आगे क्लास में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।